नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जैक बोर्ड पेपर लीक, परीक्षा से 17 मिनट पहले वायरल हो गया इंटर केमिस्ट्री का पेपर। झारखंड एकेडमी काउंसिल जैक की इंटर साइंस के रसायन का प्रश्न पत्र शुक्रवार दोपहर 1:43 पर वायरल हो गया था। दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा शाम 5 बजे तक होनी थी। केमिस्ट्री का पेपर परीक्षा से पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहा था। जो प्रश्न पत्र वायरल हो रहा था वही प्रश्न पत्र परीक्षा में पूछे गए। शाम 5 बजे के बाद विद्यार्थी जब परीक्षा देकर निकले तो प्रश्न पत्र मिलाया गया जिसमें प्रश्न एक समान पाए गए। 10वीं, 11वीं और 12वीं क्वेश्चन पेपर नामक व्हाट्सएप ग्रुप में दोपहर 1:43 पर प्रश्न पत्र डाला गया है। विद्यार्थी ने कहा है कि प्रश्न पत्र वायरल होने के कारण बच्चे 2 बजे के आसपास ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश किए। इस तरह मेहनत करने वाले बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सीसीटीवी कैमरा भी कई जगहों पर खराब पड़ा है। उधर डीईओ दिनेश कुमार मिश्रा ने कहा है कि प्रश्न पत्र वायरल होने की जानकारी उन्हें नहीं है। वहीं झारखंड एकेडमी काउंसिल के सचिव एसडी तिग्गा ने कहा है कि जैक को पेपर लीक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। पूर्व में भी इस तरह की बात सामने आई थी जो गलत पाई गई। उड़ीसा से 60 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या जा रही बस झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त। उड़ीसा से अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बस झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना पूर्वी सिंहभूम के गालूडीह प्रखंड में हुई, जब हाईवे पर खड़े ट्रेलर को बस ने पीछे से टक्कर मार दी। पूर्वी सिंहभूम के गालूडीह के पास सालबनी में हाईवे पर पहले से खड़े एक ट्रेलर ने शनिवार की सुबह यात्री बस टकरा गई। बस उड़ीसा के जाजपुर से अयोध्या जा रही थी। बस में महिला एवं बच्चे समेत 60 लोग सवार थे। सभी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जा रहे थे। सुबह सुबह हुई इस दुर्घटना में 6 लोग घायल हो गए, बाकी लोग सुरक्षित हैं। घायलों का इलाज घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में कराया गया। सेल में 300 पदों पर होगी बहाली, 26 से ऑनलाइन आवेदन। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में 84 सहित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में 300 से अधिक वैकेंसी निकाली गई है। ऑनलाइन आवेदन 26 फरवरी से शुरू होगा, वहीं 18 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि है। इस बार सेल की ओर से विभिन्न प्लांटों के लिए सेंट्रलाइज वैकेंसी निकाली गई है। 300 से अधिक ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की वैकेंसी निकाली गई। इससे संबंधित सर्कुलर सेल की ओर से जारी कर दिया गया है। जमशेदपुर में रैश ड्राइविंग करने वालों पर रहेगी नजर। सब ए बारात में विधि व्यवस्था को लेकर शनिवार को एसएसपी किशोर कौशल ने सिटी एसपी मुकेश कुनाते समेत शहरी क्षेत्र के सभी डीएसपी व थाना प्रभारियों के साथ एसएसपी कार्यालय के प्रेक्षा गृह में बैठक की। उन्होंने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। एसएसपी ने रैश ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। बताया कि रैश ड्राइविंग करने वालों की धरपकड़ के लिए 16 चेकिंग प्वाइंट बनाए हैं। हर प्वाइंट पर फोर्स तैनात रहेंगे। एसएसपी ने सभी थानेदार को अपने अपने क्षेत्र की मस्जिद कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक कर उनके कार्यक्रम की जानकारी लेने का आदेश दिया। पर्व के दौरान कोई परेशानी नहीं हो, थाना प्रभारी इन बातों का भी ध्यान रखे। गढ़वा में प्रेमिका से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाला गिरफ्तार। गढ़वा पुलिस ने अपनी प्रेमिका से दुष्कर्म कर पत्थर से कूच कर उसकी हत्या करने वाले प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसकी निशानदेही पर खून लगा पत्थर, मिट्टी व उसके कपड़े भी बरामद किए गए। गिरफ्तार प्रेमी पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के लिधकी गाँव के बैना टोला निवासी बिंदा चौरसिया का पुत्र प्रमोद चौरसिया बताया गया। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने शनिवार को अपने कार्यालय के सभागार में प्रेस वार्ता कर दी है। उन्होंने बताया है कि भंडारिया थाना क्षेत्र के मंजरी गांव निवासी भिखारी सिंह के पुत्र मंगन सिंह ने भंडारिया थाना में उसकी पुत्री अमृता कुमारी 22 वर्षीय की हत्या कर उसका शव झाड़ी में छुपाने संबंधित आवेदन दिया था। हरल सिंदरी में 75% स्थानीयों को नौकरी के दावे की जांच करेगा नियोजनालय। धनबाद जिले के सिंदरी में स्थानीय लोगों को रोजगार सहित अन्य 4 सूत्री मांगों को लेकर झामो द्वारा हरल प्रोजेक्ट में शुक्रवार से शुरू किया गया बेमियादी चक्का जाम आंदोलन एसडीओ के हस्तक्षेप से खत्म होने के आसार हैं। बता दें, आंदोलन के दूसरे दिन शनिवार को लगभग 11:30 बजे एसडीओ उदय रजक धरना स्थल पर पहुंचे। उसके बाद एसडीपीओ कार्यालय में हरल प्रबंध और झारखंड मुक्ति मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष रामू मंडल के नेतृत्व में आंदोलनकारियों के साथ त्रिपक्षीय बातचीत हुई। लगभग 1 घंटे तक चली बातचीत के बाद एसडीओ ने बताया है कि बातचीत सकारात्मक हुई है। हरल प्रोजेक्ट में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने के हरल प्रबंध के दावे की जाँच नियोजनालय पदाधिकारी से कराई जाएगी।
साहेबगंज के माघी पूर्णिमा में बोले मिथिलेश ठाकुर, अनुशासन सिखाती है सफा होड़ की संस्कृति। संताल परगना के साहेबगंज जिला स्थित राजमहल उत्तरवाहिनी गंगा तट पर राजकीय माघी पूर्णिमा मेले का उद्घाटन सूबे के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख, सांसद विजय हंसदा और विधायक अनंत कुमार ओझा ने दीप जलाकर किया। उद्घाटन से पूर्व पुरोहित दिलीप पांडे ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गंगा पूजन कराया। उद्घाटन समारोह में उपायुक्त हेमंत सती ने अतिथियों को बुक्के व अंगवस्त्र देकर स्वागत भाषण किया। बता दें, उद्घाटन मंच पर 10 गुरु बाबाओं को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि राजभवन में लगने वाली राजकीय माघी पूर्णिमा मेला सौहार्द का प्रतीक है। माघी पूर्णिमा के अवसर पर झारखंड के प्रवेश द्वार राजमहल में आदिकाल से आयोजित होने वाले मेले से हमें सफा होड़ आदिवासियों की संस्कृति एवं अनुशासन का ज्ञान मिलता है। सीएम चंपाई सोरेन सरायकेला को 334 करोड़ का दिया तोहफा। सीएम चंपाई सोरेन ने झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में करीब 334 करोड़ रुपए की लागत से राज्य संपोषित 220 विकास योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। उन्होंने कहा है कि अगले 3 माह में 9 लाख परिवारों को अभुआ आवास का लाभ दिया जाएगा। पहले चरण में 2 लाख परिवारों को अभुआ आवास दिया जा रहा है। इसी जिले के पूर्व सीएम ने सरायकेला के विकास को लेकर एक ईंट भी रखने का काम नहीं किया है। राज्य के विकास को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता पर सर्वाधिक समय तक रहने के बाद भी उसने अपेक्षित विकास नहीं किया है। निशिकांत दुबे ने देवघर प्रशासनिक भवन का किया शिलान्यास। SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा व गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने देवघर के कल्याणपुर में SBI के प्रशासनिक भवन का भूमि पूजन व शिलान्यास किया है। 50 करोड़ की लागत से 8 मंजिला यह प्रशासनिक भवन बनेगा। चेयरमैन ने कहा है कि SBI 100 वर्ष भी अधिक पुराना बैंक है। अपनी विभिन्न योजनाओं से देश के आर्थिक व शैक्षणिक विकास में SBI अग्रणी है। देश में बेहतर शिक्षा की दिशा में एजुकेशन लोन सहित खुदरा व छोटे व्यवसायियों को कई प्रकार के लोन से जोड़कर उनका आर्थिक उत्थान किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि SBI केंद्र सरकार के साथ मिलकर केंद्रीय योजनाओं पर फोकस करते हुए देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। गोड्डा गोमती नगर ट्रेन को सांसद ने दिखाई हरी झंडी। गोड्डा गोमती नगर वाया भागलपुर स्पेशल ट्रेन को शनिवार को गोड्डा स्टेशन से रवाना किया गया। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, विधायक अमित मंडल सहित मालदा डिवीजन के DRM विकास चौबे ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन अपने निर्धारित समय 14:10 पर गोड्डा स्टेशन से खुली। कार्यक्रम की शुरुआत DRM ने सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे व विधायक अमित मंडल को गुलदस्ता देकर किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि गोड्डा गोमती नगर ट्रेन गोड्डा से खुलने वाली 11वीं ट्रेन है। अभी और भी 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। हेमंत सोरेन के झारखंड विधानसभा के बैठ सत्र में शामिल होने पर हाई कोर्ट में सुनवाई 26 को। हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के बैठ सत्र में शामिल होंगे या नहीं, इस पर झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत से डबल झटका लगने के बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया था। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। ईडी की विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी तो उनके वकील ने झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मिलनी चाहिए। नक्सलियों ने झोला छाप डॉक्टर की गोली मारकर की हत्या। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोल्हान वन क्षेत्र अंतर्गत नक्सल प्रभावित टोटो प्रखंड के बांदा बेड़ा गाँव में नक्सलियों ने एक झोला छाप डॉक्टर जितेन लागरी की हत्या कर दी है। पुलिस मुखबिरी के आरोप में नक्सलियों ने जितेन की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने उसे सामने से गोली मारी है। एक गोली का खोखा उसके घर के दीवार में जा फंसा है। सूत्रों के अनुसार जितेन लागरी शुक्रवार को सामान खरीदने के लिए चाईबासा आए हुए थे। सामानों की खरीदारी के बाद वह शाम में 6 बजे बाइक से गांव लौटे। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने बाइक खड़ी की और घर के अंदर प्रवेश ही किया था कि नक्सलियों ने उन्हें बाहर आने को कहा। घर के बाहर निकलते ही नक्सलियों ने उन पर 2 गोलियां दाग दी। छीने हुए अधिकार भीख हेमंत सोरेन को लेकर पत्नी कल्पना ने की पोस्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमीन घोटाले में गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन खुद मोर्चा संभाल रखी है और झारखंड की राजनीति पर ध्यान रख रही है। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद हेमंत का सोशल मीडिया अकाउंट एक्स हैंडल भी खुद संभाल रही है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट एक्स हैंडल से लगातार पोस्ट करती रही है।
शनिवार को भी हेमंत सोरेन को याद करते हुए कल्पना सोरेन ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि हेमंत सोरेन आज अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करने की हिम्मत के कारण जेल में बंद हैं। बाबा साहेब की बातों का जिक्र करते हुए कहा है कि छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकारों को वसूल करना पड़ता है। पत्नी कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन के एक्स हैंडल से अपनी बातें साझा करते हुए लिखा है कि पिछले 24 दिनों से अन्यायपूर्ण कारावास का सामना कर रहे मेरे जीवन साथी हेमंत सोरेन जी के संघर्ष को अनुभव कर मैं गौरवान्वित भी हूँ, दुखी भी हूँ। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दृढ़ता और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करने की उनकी हिम्मत के फलस्वरूप आज वो जेल में हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मुहिम तेज। आदित्य वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम झा ने बताया है कि गोवर्धन पीठ पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के आदेशानुसार झारखंड प्रांत में 2 दिवसीय हिंदू राष्ट्र विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, नेपाल आदि से प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और उनके बताए हुए मार्गदर्शन में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि आदित्य वाहिनी का गठन 1992 से 1993 में किया गया था। इसके बाद से तभी से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुहिम चल रही है। इसके तहत जन जागरण, सत्संग, संगोष्ठी, कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है। ये अभियान आज काफी आगे पहुंच चुका है। राज्य स्तर से प्रखंड व गांव तक आदित्य वाहिनी के सदस्य सक्रिय हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगले 11 महीने में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ होने वाले कार्यक्रमों का इस सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को कार्य आवंटित किया जाएगा। चुनाव आयोग ने झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग के तरीके पर जताई नाराजगी। चुनाव आयोग ने झारखंड में हो रहे ट्रांसफर पोस्टिंग के तरीके पर नाराजगी जताई है। इसको लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखा है। शनिवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि चुनाव आयोग के आदेश पर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के कंप्लायंस के बारे में जानकारी दे। पत्र के मुताबिक 21 दिसंबर 2023 को लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए आयोग ने राज्य में एक ही जगह पर 4 साल या उससे अधिक समय से पदस्थापित पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में दिशा निर्देश जारी किया था, लेकिन आयोग को पता चला है कि लोकसभा चुनाव की वजह से अफसरों की होने वाली ट्रांसफर पोस्टिंग में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। झामुमो ने पलामू में निकाला न्याय मार्च। पलामू जिला मुख्यालय से सटे चैनपुर के शाहपुर के वार्ड 32 और 33 में शनिवार को मार्च किया गया। झामुमो पलामू के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में शाहपुर में निकाले गए न्याय मार्च में जनता काफी समर्थन मिला। सभा में जिला अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा चुनाव हारने से और हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से डरती है। यही वजह है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर भाजपा ने षड्यंत्र किया है। आज जनता जान चुकी है कि हेमंत यदि भाजपा के साथ जाते तो उन्हें इस्तीफा नहीं देना पड़ता। झामुमो आंदोलनकारी पार्टी है, ये लड़ना जानती है, झुकना नहीं। न्याय मार्च निकालकर झामुमो के सिपाही हर घर तक जाकर भाजपा की पोल खोल रहे हैं। हमें जो अपार समर्थन मिल रहा है ये हेमंत जी की लोकप्रियता का ही परिणाम है। धन्यवाद।